निमिरता का गुण योगी के लिए बड़ा शोभायमान है। ईगो को खत्म करने के लिए निमिरता बहुत अच्छी साधना का प्रैक्टिकली सिद्धि स्वरूप बनाती है। निम्रता सत्यता का स्वरूप क्या है अनुभव कराती है। निम्रता जिस घड़ी शब्द आता है तो परमात्मा बाप के सामने हम दोनों हाथ मिलकर के कहते हैं निम्रता से हो ही जाएगा। निम्रता में धीरता और मधुरता दोनों गुण साथ देते हैं। तो देखा है जहां सत्यता है निम्रता के कारण धीरता मधुरता गंभीरता वो दिव्य रूप धारण कर देती है। इसलिए शांति प्रिय आत्मा बहुत चिंतन में ना आकर के क्या होगा कैसा होगा अटल विश्वास है सच्चाई का बल है निम्रता से सदाई सफलता मिलती आ रही है अंत तक मिलती रहेगी। प्यारे बाबा ने अंतिम शरीर का त्याग करने के समय हम बच्चों को यही मीठे मीठे बोल सदा के लिए स्मृति के रखने के लिए बोला। बच्चे निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति में रहना तो ये दिखाई पड़ता है। तो ये ईश्वर के जो हमारे प्रति महावाक्य है वो उसने बड़ा काम किया है। जब कभी भी कोई भी कारण से एक ने कही दूसरे ने मानी शिव बाबा कहे दोनों है ज्ञानी। तो ज्ञानी तो आत्मा सदाई शांत से प्रेम से स्वीकार करते हैं क्योंकि विश्वास से हमारा आपस में भी प्यार है परमात्मा का कार्य है। तो भगवान कहते बच्चे जो मैं तुम्हें गुण सिखाता हूँ उस गुणों को अपने जीवन में धारण करो। ओम शांति।